नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब के चैनल पे। मेरा नाम है रोशन कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल मधेश। आज हम आपको बताएंगे कि डीवी लॉटरी के लिए आप अप्लाई मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो बस आपको किसी भी अच्छे ब्राउज़र में जाना है, जैसे कि हमारे पास एक फायरफॉक्स है, और फायरफॉक्स में आपको वेबसाइट लिखना है www.dvlottery.state.gov, और इस वेबसाइट को खोलना है। ये डीवी अप्लाई करने के लिए US गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ही आप डीवी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये ऑफिशियल है। और यहाँ पे आपको ये देखिए, ये उसका होम पेज है। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक डाइवर्सिटी वीसा लॉटरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप थोड़ा सा और ऊपर जाइए, देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, फोटो टूल के लिए है, इंट्री फॉर्म के लिए है। तो हमें इंट्री के लिए अब हम बिंग इंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ये हमें 30 मिनट के भीतर में आपको ये प्रोसेस को ख़त्म कर लेना है, ठीक है। तो हमें ये 4 उसके साथ बी पी एन और यस इसे हम सबमिट करेंगे। देखिए ये खुल गया। अब इलेक्ट्रॉनिक डाइवर्सिटी वीसा इंट्री फॉर्म है ये, हमारा वो भी एक कंट्रोल नंबर है 1405 और 0153, ठीक है। अब हम अपना फर्स्ट नेम देंगे, यानी लास्ट नेम देंगे, सबसे पहले लास्ट नेम देंगे, जैसे कि हमें यादव देना है, क्योंकि हम यादव से है, हमारा लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है ROSHAN रोशन, ठीक है। मिडिल नेम है KUMAR, उसके बाद जेंडर में हम मेल है, आप मेल हो तो मेल और फीमेल हो तो फीमेल, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना मंथ देना है, जैसे कि मेरा 6 में है, डे भी मेरा 6 है, और ईयर 1995 है, ठीक है। उसी तरह से आप थोड़ा ऊपर कीजिए, बर्थ सिटी है, मेरा बर्थ सिटी है महोतरी, तो महोतरी ले लिए, ठीक है। आपका भी जो भी ज़िला हो, ये जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, आप उसी हिसाब से आप लीजिएगा। कंट्री वेयर यू बॉर्न, तो मैं नेपाल से हूँ, तो मैं नेपाल का नंबर सिलेक्ट, वो नेपाल का नाम सिलेक्ट करूँगा। देखिए थोड़ा और ऊपर हम करेंगे नेपाल, ठीक है। ये देखिए ये कंट्री एलिजिबिलिटी में है, एलिजिबिलिटी कंट्री को ठीक है। अब ये फोटो के लिए हमें बोल रहा है, तो फोटो के लिए हमने एक एक्स्ट्रा से आपको ये कि एप्स के बारे में ये वीडियो के लास्ट में हम आपको डाल देंगे, आप ये देखते जाइए, वहाँ से आप बहुत ही आसानी तरीके से जो इसके लिए अप्लाई होने वाला फ़ोटो है वो उस एप्स के माध्यम से आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एप्स है, तो हम उसके बारे में भी आपको वीडियो के लास्ट में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल देंगे। तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो अटैच कीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, हमें फोटो पे जाना है, ठीक है। देखिए हमारा फाइल है, EDV के लिए हमने 2 फोटो क्लिक किए थे, ये हमारा पहला फ़ोटो और ये दूसरा फ़ोटो, तो हम इसमें से एक फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मेलिंग एड्रेस है, यानी इस पते पे ये अपना एड्रेस देना है, जैसे कि मेरा हो गया ये महोतरी सोनामाई 2 एड्रेस लाइन, सिटी और टाउन में,
अब यहाँ पे जो पोस्टल कोड है, तो पोस्टल कोड के लिए हमें अब हम दूसरा टैब खोलेंगे और लिखेंगे महोत्तरी पैंतालीस सात सौ सात हमें मिल गया। ये 45707 हमारा पोस्टल कोड है, तो 45707 ठीक है। नेपाल सेलेक्ट करना है, नेपाल सेलेक्ट करना है। फ़ोन नंबर है 0097798168784। उसके बाद मेलिंग एड्रेस में है वाई रोशन कुमार @gmail.com। अपने अनमेरिड है तो अनमेरिड में लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें नहीं है, उसके बाद हमें इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के थोड़ी देर बाद देखिए ये बोल रहा है फर्स्ट नेम यादव रोशन, मिडिल नेम रोशन, मेल 6 जून 1995 महोत्तरी नेपाल, फोटोग्राफी रिसीव हो गया। उसके बाद इस हमारा नौ रॉन्ग नंबर yrosnkumar@gmail.com देखिए, ठीक है ठीक है। हाई स्कूल नो डिग्री देखिए, अब सारे के सारे ठीक ठीक हो गया। तो हमें सबमिट करने के बाद हमारा ये इंट्रीज है जो सक्सेस हो गया। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। देखिए जब ये DV का फॉर्म फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो हमें ये काम आएगा। तो आप भी इसी तरह से ले सकते हो और अपनी DV के लिए EDV अप्लाई करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा फोटो ऐप्स है जिसका नाम है EDV 2019। गूगल के प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस ऐप्स को ओपन करेंगे तो आपको इसी तरह कैमरा दिखाई देगा। इस कैमरे के माध्यम से आप EDV के लिए आप फ़ोटो खींच सकते हैं। आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जो कि एक क्लियर विजिबिलिटी के लिए अच्छा रहता है, और थोड़ा सा जूम और ऊपर और दोनों कान के बीच में और ये जो घाटी है, आप ये सारे के सारे चीज़ मिला करके आप एक फ़ोटो शूट कर लीजिए। उसके बाद आपका एक बैकअप फाइल बन जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ से आपने जो ब्राउज़र में से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसका एक बैकअप फाइल बन गया देखिए, और इसी तरह से आप EDV के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप्स में और भी बहुत सारे चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है कि आप फ़ोटो कैसे ले सकते हैं, EDV का आपका अप्लाई करने का इसका तरीका क्या है, इंट्री क्या है, और बहुत सारे जानकारी इस ऐप्स में है। तो इस ऐप्स को आप डाउनलोड करके बहुत सारे जानकारी आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।